शो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राहुल और सी फेर राहुल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली मैं कुछ शोर लिए फिर से मिल चुका है। की सोच रहे साइन हो रहा है लैपटॉप पे ऑटोग्राफ, देख सकते हो शाम के 6:01 हो रहे हैं। इंडिया में यहाँ इस टाइम अंधेरा हो जाता है और यहाँ पे अभी भी सूरज निकला हुआ है। व्हाट्स अप गाइस, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राहुल और आज हम लोग पाल्मा दी मलोर्का जो कि स्पेन में है उसके पोर्टोपी मॉल में जा रहे हैं और देखेंगे कुछ शॉपिंग के लिए क्या मिलता है। मेरे पीछे एक जायंट शिप खड़ा है जो यहाँ पर है, एक यहाँ के किसी नेवी का वेसल्स है और काफ़ी अच्छा मौसम है। यहाँ पे दोपहर के 4:15 हो रहे हैं और काफ़ी टाइम से वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था पर कुछ ऐसा टाइम मिला नहीं कि मैं वीडियो बना सकूं। लेकिन यार बहुत ही मज़ा आ रहा है, क्या बताऊँ। पाल्मा की हिस्ट्री तुमको ज़रूर बताऊंगा इसी वीडियो में, जानने के लिए मेरे साथ बने। हम लोग पाल्मा के मॉल में पोर्टोपी मॉल में पहुँच चुके हैं और यहाँ पर काफ़ी कुछ हम लोग को देखने के लिए मिलेगा। सो आपको पाल्मा के बारे में ज़रूर बताऊंगा कि यहाँ पे आर्किटेक्चर्स मॉन्यूमेंट्स काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन कोशिश करूँगा वहाँ पे जाने के लिए। लेकिन वहाँ पे पहुँचने के पहले हम लोग मॉल में जाके और देखते हैं कि वहाँ पे हमको क्या क्या चीज़ें मिल सकती है और क्या हम लेके आ सकते हैं इंडिया। बहुत ही जल्द आपको इसी वीडियो में पता चलेगा, तो सी यू सून। ये मेन एंट्रेंस है पाल्मा दी मलोर्का का, यहाँ से इसके आगे पोर्ट स्टार्ट होता है। ये जो वाइट बिल्डिंग आप देख रहे हो इसके आगे पोर्ट एरिया स्टार्ट होता है, तो मुझे वहीं जाना है। और ये है शुरुआत ऑफ पाल्मा दी मलोर्का की। प्लीज़ नीचे दिए गए लाइक बटन को हिट कीजिए, सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना। अभी बंद होने वाला मॉल बोल रहे हैं, बंद होने वाला है। बाहर की बात ही कुछ अलग होती है। ये मैंने कैमरा काफ़ी जूम किया है तो शायद से थोड़ा सा पिक्सल फटेगा, पर आप देख सकते हो कि पानी के अंदर भी सब कुछ दिख रहा है, यानी कि पानी कितना साफ है। बस यही चीज़ काफ़ी अच्छी है, यहाँ का हवा पानी आप बोल सकते हो काफ़ी अच्छा है। ये वेसल है जो निकल चुका है, ये कार्निवल्स कॉस्टा TUI वर्जनशिप। ये स्टॉक मार्केट में आप पैसा इन्वेस्ट करने से पहले आप ज़रूर सोचिए, समझिए, नॉलेज लीजिए, उसके बाद ही आप स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट कीजिए। मैं आपको स्क्रीनशॉट्स ट्राई करूँगा इसी वीडियो में डाल के बताने की कि मेरे प्रॉफिट्स कितने हुए। बड़े प्रॉफिट्स नहीं है, 500,000, 2,000। लेकिन फिर से मैं ये बोलूँगा स्टॉक मार्केट आर वेरी रिस्की, सो अपने रिस्क पे इन्वेस्ट कीजिए। लर्न फर्स्ट एंड देन इन्वेस्ट। आप इन्वेस्टमेंट कैपिटल रख सकते हो 5,000 to 10,000 एंड मैक्स टू मैक्स आपके ऊपर है आप कितना रख सकते हो। तो ये रास्ता सीधा स्वर्ग की तरफ जाता है, वो सर्व स्वर्ग का वीडियो आपको मैं ज़रूर दिखाऊँगा। फाइनली स्वर्ग का रास्ता। ऐसी जगह आ चुका हूँ जहाँ पे शांति है, सुकून है। पाल्मा दी मलोर्का ये सिटी है स्पेन के अंदर जो 13th century से बिगिन हुई थी वेस्टर्न मेडिटेरियन में। इसके बारे में पाल्मा में अगर आप विजिट कर रहे हो तो ज़रूर मैं आपको कहूँगा कि आप यहाँ की आर्किटेक्चरल चर्च आप ज़रूर देखना। हम लोग यानी कि मैं पाल्मा के छोटे से बीच पे आ चुका हूँ, यहाँ से शुरुआत होती है और काफ़ी अच्छा है। पीछे आप जेट्स की काफ़ी इंटरेस्टिंग है यार, काफ़ी मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी अच्छा जगह है। काफ़ी पीछे देख सकते हो अच्छे अच्छे लोग हैं। नेकेड बीच पर पहुँच चुका हूँ जी हाँ, पाल्मा में भी एक नेकेड बीच है लेकिन अलाउ नहीं है वीडियो निकालना वहाँ पे, लेकिन मैं ऊपर से आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगा। ये सारे वहीं से आ रहे हैं, ये नेकेड बीच है।
आई होप आप देख रहे होंगे मुझे कुछ नहीं पता। काफ़ी अच्छी जगह है यार, शोर लियो पैसा वसूल शोर लियो मैं। काफ़ी अच्छा मॉल है यार, देखने लायक मॉल है। अगर आप पालमा विज़िट करोगे तो श्योर मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि फोटो भी मॉल विज़िट करें। मॉल वेव 300 TWS काफ़ी अच्छे है यार, 60 में साउंड क्वालिटी मैंने चेक की है, काफ़ी अच्छी है। और भी देखते हैं कुछ है। 39 काफ़ी अच्छा है यार, 8 GB रैम, 256 इंटरनल, 62 cm 15x6 स्क्रीन। ये है असूस का लैपटॉप और काफ़ी अच्छा ऑफर चल रहा है, 579। सारे डिटेल्स आपके स्क्रीन पे है। ये है असूस का लैपटॉप, और क्या चाहिए यार इतना सस्ता। काफ़ी अच्छे हैं लैपटॉप्स, काफ़ी सारे हैं। ये सारे यूरोज में है। अगर गुड बजट आपको अगर लेना है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। ये है HP का लैपटॉप, इसमें 349 में आपको 4 GB रैम, 64 इंटरनल्स ओके है। जिसको ज़्यादा लैपटॉप का यूज़ नहीं हो ये ट्राई कर सकते हैं। अगर आप पालमा में हो तो ज़रूर पोर्टोपी मॉल आइए और ज़रूर ये लैपटॉप चेक कीजिए। मेरे लिए तो ये काफ़ी अच्छे हैं, बजट फ्रेंडली है, तो ज़रूर मैं ट्राई करूँगा। पीछे जो स्पीकर चल रहा है वो काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छी नॉइज़ है, देख सकते हो। ये फोटो भी मॉल सैमसंग गैलेक्सी के वॉच 4 क्लासिक 239 में है। एक डिजिटल वॉच है, चार्जेबल है, ये ज़रूर देखना है। सारे डिटेल्स यही दिए हुए हैं पर सारे स्पैनिश में, स्पैनिश वॉच काफ़ी अच्छे दिख रहा है सैमसंग के गैलेक्सी 4 वॉचेस। और फाइनली हम लोग आ गए हैं फिलिप की टीवी पे, काफ़ी अच्छा है, 165 €। लेना ज़रूरी ये नहीं है, देख रहे हैं इसको बोलते हैं टीवी। ऐसी क्लैरिटी जो आपको कहाँ दिखाई दे। टीवी का मॉडल आप देख सकते हो यहाँ पर, आप स्क्रीनशॉट लेके आप ट्राई कर सकते हो। प्राइस आप कंपेयर कर सकते हो अकॉर्डिंग टू इंडिया। ये है LG का टीवी, देख रहे हो LG के टीवी में आपको और क्या चाहिए। स्लिम काफ़ी अच्छी, इससे स्लिम तो आपको शायद ही मिलेगी। मैं क्लोज लेके दिखाता हूँ आपको, मेरे अंगूठे से भी पतली है, ये बहुत ही पतली टीवी है, देख सकते हो एकदम। तो काफ़ी अच्छी है यार स्क्रीन क्लैरिटी, 1400 € में और क्या चाहिए आपको। ये देख सकते हो सैमसंग की टीवी है और ये भी काफ़ी स्लिम है, देखने लायक है, क्लैरिटी भी काफ़ी अच्छी है। मैं तो डिटेल्स यहाँ दिखा देता हूँ आपको, क्या कहते हैं ऐसे मल्टीपल मोशन एस्टिमेटर मोड, ये मोस्टली आपको LG का ब्रांड मिलेंगे और काफ़ी अच्छी है। 141 kW, 1000 hours, 185, ये सारे विषय एनर्जी डिटेल्स है। उसके बाद में इस टीवी की प्राइस भी आप देख सकते हैं, 800 €, यानी कि 50-60 हज़ार के आसपास टीवी की क्लैरिटी। और क्या चाहिए आपको, वीडियो नंबर 10 के हेडसेट्स हैं, 20 € के आसपास, काफ़ी अच्छे हैं और फुल साउंड्स के साथ। क्या चाहिए आपको, सोनी काफ़ी अच्छा है यार,
पालमा दी मलोरका में आना मतलब पैसा वसूल है, स्पेशली पोर्टोपी मॉल में स्पेशल प्राइस चल रहा है एयरपोर्ट के लिए। बढ़िया है, काफ़ी अच्छा है, छोटे से जेड आई यू स्मार्ट आइटम्स जो ढूंढ रहा था, JBL लिंक म्यूजिक 70 यूरो। आवाज़ पता नहीं है। यहाँ पे आपको हर चीज़ें मिल जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक्स और फैशन वेयर का, शूज़ काफ़ी अच्छे सारे शूज़। बस ये प्रॉब्लम कि घूम नहीं जाऊँगा किधर, एग्जिट मेरे को घंटा पता नहीं है, तब चल रहा है सही से। थैंक यू। आई एम श्योर कि मेरे चाहने वाले भी जरूर से वीडियो देख रहे होंगे और मेरे खास दोस्त लोग। ये रेबाजाज ब्रांड है, काफ़ी अच्छे शूज़ होते हैं यहाँ पे। फाइनली हम लोग ने डिसाइड कर लिया है कि लैपटॉप कौन सा लेना है। हम लोग ने लैपटॉप जो लिया है HP का लिया है और ये i5 है 11th जनरेशन। आपको ज़रूर मैं दिखाऊंगा इसी वीडियो में, जानने के लिए बने रहिए। बेबी वेयर शूज़ है, और ये आपको याज दिखेगी जो वैसल। मुझे यहाँ तक जाना है, पहुँच गया जल्दी तो सही है, मुझे वहाँ पहुँचने के लिए एटलीस्ट 1 से 1.5 घंटा लगेगा, लेकिन मेरे पास अभी काफ़ी टाइम है ऑन बोर्ड के लिए। नज़दीक है, आप ये वाली देख सकते हो याच, ये एक्चुअली सब प्राइवेट याचेस है। हो गया Hey, hello. Hey. On the YouTube. YouTube. Yep. Hey. Yeah. See you. Ciao. Ciao.